मुरमुरे में बेसन डाल करके बनाते हैं कुछ नई रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नई तरीके के नाश्ते की रेसिपी, जिसे कि आप शाम के नाश्ते में खा सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही आसान से बनके तैयार होती है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है, इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, 2 पीस डाल दिया हल्दी पाउडर जिससे इसका कलर अच्छा आएगा, और 1/4 टीस्पून डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बार में हमने ज़्यादा पानी नहीं डाला है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा बेसन का घोल बन के तैयार हो गया है। इसे हमने साइड में रख लिया है। यहाँ 2 उबले आलू लिए हैं जिसे कि हम अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। आलू हमारा मैश हो चुका है, इसमें हम कुछ सब्जियाँ डाल लेते हैं। कटा हुआ प्याज, कटी हुई धनिया पत्ती डाल ली है, ग्रेट किया हुआ कैरेट, कटा हुआ टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च डाल लेते हैं, 1/2 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे चटपटा बनाने के लिए 1/4 टीस्पून चाट मसाला डाल लेते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है, आप इसे जो आमचूर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून डाल लिया है लाल मिर्च पाउडर और 2 पिंच हल्दी डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाल गया है। अब हम इसमें 1 कटोरी डाल लेते हैं मुरमुरा। मुरमुरा को लाई भी कहते हैं, मूढ़ी भी कहते हैं। आपके शहर में इसे क्या कहा जाता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम इसमें बेसन का घोल डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम इसमें बेसन का घोल को डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार में हम इस घोल को पूरा नहीं डालेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घोल को डालेंगे, और ज़रूरत पड़ने पे फिर और हम इसमें बैटर को डाल सकते हैं। तो हाथ से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच से ये बिल्कुल भी मिक्स अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए आप हाथ से इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ बेसन का घोल को हम थोड़ा और डाल लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके वे हमने पूरा बेसन का जो बैटर है ना, इसमें डाल लिया है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये हमारा अच्छी तरह से बाइंडिंग आ रहा है। तो हमने यहाँ पे हाथ में ऑयल लगा लिया है और इस तरह से थोड़ा मिश्रण हाथ में लेंगे और हाथ में लेकर के इसे इस तरह से बॉल की तरह बना लेते हैं। अब इस तरह से हम इसे टिक्की का शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस स्नैक्स को बना करके डीप फ्राई या शैलो फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे शैलो फ्राई कर लिया ताकि ये थोड़े हेल्दी रहें। ये जो स्नैक्स बनके तैयार होता है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, और जैसे ही ये एक तरफ से सिक गए हैं, हमने इसे पलट लिया है और दोनों तरफ से पलटते पलटते इसे क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। आप इस स्नैक्स को शाम को चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाती है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अलटते पलटते हमने बिल्कुल अच्छा क्रिस्प तक इसे पकाया हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी इस मुरमुरे के टिक्की को बना करके तैयार करें, और इसे आप किसी भी सॉस या तो फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये टिक्कियाँ बन के तैयार होती है। ये स्नैक्स खाने में टेस्टी होते हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्प होते हैं। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ।